वो एक घना जंगल था। वहाँ पर छोटू तोता, लूसी कबूतर और चीचू कौवा रहा करते थे। पर उनके जीवन में खुशी दूर दूर तक नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर हमेशा एक चील आया करती थी, उन पंछियों के अंडे या उनके बच्चों को लेकर जाया करती थी। इसीलिए कोई भी वहाँ पर खुश नहीं था। कहीं और जाना भी चाहते तो चारों दिशाओं में उन्हें ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ पर आसानी से आहार मिल सकता हो, इसीलिए वे सब वहीं रह रहे थे। एक दिन टोनी नाम की गौरैया अपने पति के साथ वहाँ पर आती है। इस जोड़े को देखकर वहाँ के सभी पंछियाँ बहुत खुश हुए, पर मन ही मन दुखी हो रहे थे, क्योंकि अगर उनके बच्चे हो जाएं तो उनके लिए ये जगह सुरक्षित नहीं थी। टोनी का पति आहार की तलाश में जब बाहर गया, तब टोनी गौरैया बाकी पंछियों से बात किया करती, इस वजह से उनमें अच्छी दोस्ती हुई थी। एक दिन लूसी कबूतर ने कहा, टोनी तुम यहाँ क्यों रहने आई हो? तुम्हारे लिए ये जगह सुरक्षित नहीं। पता है कभी कभी यहाँ पर चील आती है, वो कब आती है कब जाती है किसी को नहीं पता। वो हमारे बच्चों को साथ ले जाती है, आपके होने वाले बच्चे को भी वो लेकर जाएगी, इसीलिए तुम्हारा किसी और जगह चले जाना बहुत बेहतर होगा। यूं जब दोनों बात कर रहे थे, चीचू कौवा भी वहाँ पर पहुँची। हाँ दोस्त, तुम्हारा यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं, हमारे बच्चों को खोकर हम वैसे ही दुखी हैं। उनकी बातें सुन टोनी गौरैया सोच में पड़ गई, यूं ही उदास होकर अपने घर लौटी। अगले दिन टोनी गौरैया घबराई सी चीचू कौवे के घोंसले पर पहुंची, पर वहां चीचू नहीं थी। वो वहां से उड़कर लूसी कबूतर के घोंसले पर गई, पर वहां कबूतर भी नहीं थी। वो सोचने लगी कि अंडे से अभी तक बाहर नहीं निकले उसके नन्हे से बच्चे को वो कैसे बचाए, मैंने आज ही उसे जन्म दिया और क्या आज ही मुझे उसकी मौत देखनी होगी। इतने में छोटू तोता वहां पर आई। क्या हुआ दोस्त, तुम इतनी घबराई से क्यों हो, क्या बात है? दोस्त मैंने आज ही एक बच्चे को जन्म दिया है, पर कल अपने बाकी दोस्तों ने कहा कि यहाँ पर एक चील आती है, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है, मुझे अपने बच्चे को बचाना है, मुझे कोई सलाह दो, लगता है बाकी दोस्त आहार की तलाश में बाहर गए हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोस्त अगर तुम अपने बच्चे को बचाना चाहती हो तो अपने अंडे को कहीं छुपा कर रखो। पर कहाँ, कैसे छुपाऊं? हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं, वहाँ पर पहाड़ी इलाका है, वहाँ कुछ और पंछियाँ भी रहती हैं। वहाँ के पंछियों के घोंसले में तुम्हारे अंडे को सुरक्षित रख सकते हैं। उन पहाड़ियों के बीच कोई ऐसा घोंसला ढूंढते हैं जहाँ तक चील न पहुँचे और वहाँ पर तुम्हारे अंडे को रख देते हैं। तुम हर दिन वहाँ जाकर अंडे को देख सकती हो। बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, मेरे बच्चे की जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। ये सोचकर गौरैया और तोता दोनों अंडे को साथ में लिए पहाड़ी इलाके की ओर उड़ने लगे। उस पहाड़ी इलाके पर वो दोनों ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहां कोई न पहुंच पाए, ऐसे में उन्हें एक खाली घोंसला दिखाई दिया। खाली घोंसला देखकर गौरैया ने अपना अंडा वहां पर रखा। उसने सोचा कि ये घोंसला बहुत पुराना हो चुका है और शायद यहाँ पर अब कोई नहीं रहता होगा, इसलिए उसका अंडा यहाँ पर सुरक्षित रहेगा। ये सोचकर निश्चिंत होकर वो दोनों वहाँ से उड़ चले। जब वे दोनों उड़कर जा रहे थे, सामने से आती हुई चील उन्हें दिखाई दी और वो चील के पीछे जाने लगे। चील ठीक उसी घोंसले के पास गई जहाँ अंडा रखा हुआ था। मैंने अपने ही हाथों से अपने बच्चे को दुश्मन के हाथ सौंप दिया, मेरे बच्चे के मरने की वजह मैं ही हूँ, ये मैंने क्या कर दिया? गौरैया फूट फूट कर रोने लगी। दोस्त मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, मुझे क्षमा कर दो, ये घोंसला ऐसे बिगड़ गया था तो मुझे लगा यहाँ पर कोई नहीं रहता होगा, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, मुझे क्षमा कर दो। नहीं दोस्त, तुम तो मेरा भला चाहती थी, ये तो मेरी ही बदकिस्मती है। दोनों दुखी मन से वहाँ से लौट जाते हैं। चील उस अंडे की ओर देखकर कहने लगी, क्या इस अंडे को मैंने जन्म दिया है, मैंने कब रखा होगा, पता नहीं आजकल मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। कुछ दिनों बाद उस अंडे से नन्ही सी गौरैया निकली। उसने सामने चील को देखकर माँ कहकर उसे गले लगाया। उस एक शब्द से चील का मन पिघल गया, वो उसकी संतान नहीं थी, फिर भी उसके मुंह से माँ शब्द सुनकर वो उससे बंध गई। मेरे भी तो बच्चे नहीं है, मैं इसे ही अपना बच्चा मानूंगी। ऐसा कहकर उसके आहार की व्यवस्था करने लगी और उसे खिलाया करती। अब उस नन्हे गौरैया के पंख भी आ गए थे, अब वो उड़ने लगी थी। उन दिनों में चील की सेहत बिगड़ने लगी। बेटा
इतने दिनों तक मैंने तुमसे एक सच छुपा कर रखा। मैं ये नहीं जानती कि तुम यहाँ पर कैसे आई। तुम मेरी संतान नहीं हो। तुम्हारे मुँह से अपने लिए माँ शब्द सुनकर मैंने तुम्हें अपना लिया था, पर आज मैं जा रही हूँ। तुम अभी बहुत छोटी हो। तुम यहाँ पर रही तो कोई भी चील कभी भी आकर तुम्हें खा सकता है। तुम्हारे रूप रेखा से मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारी माँ कौन होगी। ऐसा कहकर उसकी माँ का पता देती है और उस नन्हे गौरैया को वहाँ जाने के लिए कहती है। उस पर नन्ही गौरैया, माँ तुम्हारे सिवा मैं किसी को नहीं जानती। तुम ही मेरी माँ हो। तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यूँ गौरैया रोने लगी। उस पर चील ने कहा, तुम मेरी बात नहीं समझ रही। यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है, तुम यहाँ से चली जाओ। यूँ चील के बार बार विनती करने पर गौरैया वहाँ से उड़कर चील के बताए उस पते पर माँ को ढूंढने निकली। उसका सामना कौए से हुआ। क्या तुम मेरी माँ हो? ऐसे उसने पूछा। नहीं, तुम्हारी रूपरेखा देखकर लगता है टोनी तुम्हारी माँ है। मैं तुम्हें उसके पास ले चलती हूँ। ऐसा कहकर चीचू कौवा उसे लेकर टोनी गौरैया के पास गया। गौरैया ने जैसे ही अपने बच्चे को देखा उसके गले लगकर रोने लगी। नन्ही गौरैया ने सारी बात बताई और वह दुखी हो रही थी। टोनी गौरैया सच्चाई जानकर बहुत दुखी हुई और अपने बच्चे को लेकर चील के पास गई। चील अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। टोनी गौरैया ने अपना आभार प्रकट किया। चील मुस्कुराती हुई चल बसी। समय के साथ सब कुछ भूलकर वे साथ में खुश रहने लगे।